बोलिए आपका नाम बोलेंगे। मेरा नाम हर्षिता सिंह है, मैं जीएम जूनियर कॉलेज की प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। अभी जो आप लोगों ने स्ट्राइक किया क्यों किया? रातों रात 8 टीचर्स को ट्रांसफर कर दिया गया है जीएम जूनियर कॉलेज से। वैसे 9 सीट पेंडिंग था, टीचर्स नहीं थे, और अगर अभी 8 टीचर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो हमारा पढ़ाई, हमारा स्टडी बहुत इफेक्ट करेगा। 1 महीने बाद प्री बोर्ड है, 3 महीने बाद बोर्ड है, उसका ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। अगर रिजल्ट ख़राब हुआ तो ये लोग बोलेंगे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़े। और यहाँ पे प्रिंसिपल मैम हमारे टीचर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमको स्ट्राइक करने के लिए बोले, जबकि ऐसा कुछ नहीं, हम लोग अपने हक के लिए किए हैं। और अभी वो जा रहे थे, मैं उनको रोक रही थी, वो बोले यू आर ए कॉमर्स स्टूडेंट, आई नेवर सी यू इन द क्लास। सर मैं बोलना चाहती हूँ मैम को, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ ही नहीं, तो आप मुझे देखेंगे कहाँ से? हमने तो मैम को नहीं देखा, हमने तो मैम को नहीं देखा क्लास में। उनको बस एक पॉइंट चाहिए कि जीएम जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स को वो डाउन दिखाए, लेकिन उनको ये बात भी पता नहीं कि उनके स्टूडेंट कौन से स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं। और वो डायरेक्टली एक पॉइंट पूरा लगा दे रहे हैं कि मैं तुमको कभी क्लास में नहीं देखी। आर्ट्स के कोई भी टीचर से पूछते मैं क्लास में होती हूँ या नहीं होती हूँ, फिर उनको यहाँ पे खड़ा कीजिए, मुझे यहाँ पे खड़ा कीजिए, टीचर्स यहाँ पे खड़ा कीजिए, उसका आंसर मांगे बिना पूछे वो किसी को कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? अच्छा आपका मैंने मुझे टीचर नहीं आता फिर क्या करेंगे, या ट्रांसफर कर देते तो? सर अगर वो टीचर्स वो स्पेस में भर पाते हैं तो ठीक है, ट्रांसफ़र कीजिए। अगर उनका ये कैपेबिलिटी है कि वो टीचर्स वापस ला पाए, वैसे भी उनके जैसे, वो भी पूरा उनके जैसे बहुत एक्सपीरियंस। अगर नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं लाएंगे तो हम अपना स्ट्राइक जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पहले टीचर बाद में आप इशू क्या, पहले टीचर है तब स्ट्राइक, पहले टीचर्स आएंगे फिर स्ट्राइक छूटेगा। या फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि हमको बस जब तक नहीं आते नए टीचर्स उन लोग को यहाँ पे रखिए, हमारा दो महीने बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, तब उनको निकाल दीजिए, मतलब दूसरे में। क्यों निकालेंगे, उनको रहना जरूरी है, टीचर रहना चाहिए, स्टूडेंट आएगा। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ट्रांसफर कैंसिल नहीं हो सकता, वो ऐसा बोले, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ट्रांसफर कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, कैंसिल नहीं हो सकती, पोस्टपोन तो हो सकता है, वो करके दिखाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।